लो आ गया है फिर से बच्चों का दिन सुहाना। आओ सुनाए तुमको कोई नया फसाना। क्यों दूर से ही खड़े हो यूं मुस्कुरा रहे हो, आओ जरा निकट अब बच्चों भाग ना जाना। लो जी फिर आ गई सविता लेकर कविता, और गुनगुना उठेगा हमारा सजीला बाल मंच। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। हाय सुपर किड्स, वंस अगेन विद यू, वेलकम यू ऑल फ्रॉम डेप्थ ऑफ माय हार्ट। वाह, इस मिलन में भी क्या खुशी है। रेगिस्तान के जहाज, ऊंट की सवारी सुपर किड्स को लगेगी प्यारी। हाय सुपर किड्स, आई हैव अ वंडरफुल आइडिया फॉर यू। साइंस मैथ के प्रश्नों से जमकर लड़ो, हिंदी की कहानियां कविताएं भी जी लगाकर पढ़ो। ध्यान से टीचर तथा बड़ों की बातें सुनो, गृह कार्य जो कहा वो घर पर पूरा करो। तो दोस्तों आओ ना जल्दी जल्दी, आज हम पढ़ेंगे रिमझिम पाठ्य पुस्तक की कविता ऊंट चला, जो कक्षा दूसरी से ली गई है। कविता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। ऊंट चला ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। सो लेट्स हैव फन। बच्चों इसको इंग्लिश में टंग ट्विस्टर्स कहते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। जब इसे बार बार अभ्यास करोगे तो आप ये भली भांति बोल पाओगे। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। बच्चों कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में भी लिख दो। यह कविता हमें बहुत अच्छी लगी, इसका यही उत्तर है। इस कविता का नाम ऊंचा ऊंट होना चाहिए। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। तो बच्चों आपके लिए मैंने ऊंट का चित्र एक रेगिस्तान में बना डाला है। नो इफ नो बट आंसर्स झटपट। आइए प्रश्न उत्तर करें। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? उत्तर, बालू या रेत समुद्र के किनारे या रेगिस्तान में प्राप्त होती है। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। तो इसका उत्तर बनता है ऊंट मेरी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा होता है। यह प्रश्न अलग अलग स्थान पर अलग अलग इसका उत्तर हो सकता है। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। उत्तर, हाथी माँ के संदूक जितना मोटा होता है। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। तो इसका उत्तर बनता है
चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। आइए पृष्ठ 4 से अगले प्रश्न देखते हैं। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। क, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं और उनमें मैंने जो लाल रंग से लिख दी हैं वही ऊंट से ऊंची चीज़ें हैं। पहली है तुम्हारी कक्षा की छत, दूसरी है बिजली का खंभा, तीसरी है हाथी, चौथी है आम का पेड़। इसमें सिर्फ बछिया को आपने गोला नहीं लगाना है। ख, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? उत्तर, एक छोटा बच्चा, कुत्ता, एक बछिया, भेड़, बकरी और सभी छोटी चीजें ऊंट के नीचे से निकल सकती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? बच्चों ऊंट ऊंचा होता है तो हमें उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी, मेज, बड़े डिब्बे या किसी मनुष्य की भी सहायता लेनी पड़ सकती है। बताओ, हाथी लकड़ी, सवारी, सामान उठाकर चलता है। टीचर जी पर्स, किताब, कॉपियां, छड़ी लेकर चलती हैं। पिताजी बस्ता, मुझे, सामान, बैग उठाकर चलते हैं। शेर शिकार अपने शावक को उठाकर चलता है। दादाजी छड़ी, पोते पोती को, सामान को उठाकर चलते हैं। मिलते जुलते शब्द ऊंट, इससे मिलते जुलते शब्द मैंने ढूंढकर आपके लिए यहाँ लगा दिए हैं। ऊंट सूट बूट कूट, बालू आलू चालू भालू, फंस हंस धंस, चला गला भला पला, जब तब कब फब। ब से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं? तो उत्तर है बालू, बैठेगा, बता। ये सब इसी कविता में से लिए गए हैं। कौन कौन से पशु बोझ उठाते हैं? तो यहाँ चित्र भी है और पशु जो बोझ उठाते हैं वे भी हैं। ऊंट बोझ उठाता है, हाथी बोझ उठाता है, गधा भी बोझ उठाता है, बैल बोझ उठाते हैं, घोड़ा बोझ उठाता है। पशु अपना दुख दर्द बोलकर नहीं बताते और बता सकते, अतः उनके लिए हमारे मन में संवेदना होती है, इसलिए जब वे बोझ उठाते हैं हमें अच्छा नहीं लगता। इस कविता में बार बार ऊंट शब्द आया है, तो बताइए कितनी बार ऊंट शब्द आया है? तो इस कविता में 13 बार 13 times ऊंट शब्द आया है। आशा करती हूँ आपको कविता अवश्य पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।